क्या देख के नहीं चले जाते देर से? बेवकूफ नालायक, मेरे पूरी ड्रेस खराब कर दी है। सॉरी आंटी। तेरी सॉरी का क्या करूं? तेरी माँ के धोई के तेरा बाप। बेवकूफ लड़की, हट यहाँ से। दिखाई नहीं देता है क्या? मेरी पूरी पैंट खराब कर दी तुमने। सॉरी आंटी। क्या सॉरी? बच्ची इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ, नहीं तो चल जाए यहाँ से। ओह शिट। आई एम सॉरी आंटी। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो किसी से भी हो सकती है। पर आपकी ड्रेस खराब हो गई। हाँ बेटा, खराब तो हो गई है, पर अब क्या कर सकते हैं। वैसे तो मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, पर कोई बात नहीं, मैं घर जाके धो लूँगी। तुम परेशान मत हो, चॉकलेट खाओ, ये लो। थैंक यू। इतने सारे पैसे? सर को बुला के वापस दे देने चाहिए। अरे वापस क्यों देने हैं? ये पैसे हमें मिले हैं तो हमारे हुए ना? नहीं, हमारे कैसे हुए ये? जिनका घर है उनके होंगे ना? अगर तुम्हें नहीं लेने तो कोई बात नहीं, हम दोनों आपस में बांट लेंगे। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी आती हुई लक्ष्मी को ना मना नहीं करना चाहिए, अशुभ होता है ना। ये पैसे हमारे नहीं है और ये तुम्हें रखने भी नहीं चाहिए। गलत कर रहे हो यार तुम दोनों। देखो हमें मत बताओ कि क्या गलत है और क्या सही, अपनी ये ईमानदारी ना अपने पास रखो। और अगर ये ईमानदारी रही ना, तुम इंटरव्यू में पास भी नहीं हो पाओगी। आई एम सॉरी सर को ना किसी जरूरी मीटिंग में जाना पड़ गया तो ये इंटरव्यू कैंसिल हो गया। क्या, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, हमें यहाँ पे बुला के खुद मीटिंग में चले गए, ये क्या बात हुई? हाँ, अगर उन्हें इंटरव्यू लेना ही नहीं था तो बुलाया क्यों हमें यहाँ पर? देखिए जरूरी था इसलिए गया, उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। सॉरी क्या करें हम तुम्हारी सॉरी का, हमें नहीं देना कोई इंटरव्यू, चलते हैं यहाँ से। I'm sorry, ma'am. कोई बात नहीं, कुछ जरूरी काम आ गया होगा, वरना ऐसे कोई इंटरव्यू छोड़ के नहीं जाता है। जैसे ही नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू होगा ना, तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं टाइम से आ जाऊंगी। ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दिखता नहीं क्या तुम्हें? I'm sorry and thank you so much. What thank you? ये जो भी हो रहा था ये एक इंटरव्यू का पार्ट था। मतलब? मतलब ये कि जब से आप लोग आए हो, आपके साथ जो भी हुआ है, चाहे आइसक्रीम गिरना या ऑफिस के अंदर कैश मिलना और अभी ये जो हुआ, ये सब एक इंटरव्यू का पार्ट था। और जिस बच्ची की केयर टेकिंग के लिए आप आए थे, ये वही बच्ची है। और आपका इंटरव्यू भी मैं ही लेने वाला था, ये जॉब आपको मिलती है। क्या, लेकिन ऐसे इंटरव्यू कौन लेता है? मैं। और तुम दोनों ने जो अंदर से कैश उठाया ना, वो वापस दो मुझे। और जा सकते हो तुम दोनों। और हाँ, ये मेरी बेटी है और मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छी केयर टेकर मुझे कोई मिल सकती है, क्योंकि इसकी गलती पे आपने गुस्सा नहीं किया और इसको चॉकलेट देके इसको नॉर्मल किया। और जब अंदर आपको कैश मिला और आपने वो ना लिए, इससे आपकी ईमानदारी का पता चला। और अभी जो ये हुआ, इससे आपने ये दिखा दिया कि आप मेरी बेटी की सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो आप कल से ही आ सकते हो। थैंक यू सो मच सर, मैं इसका बिल्कुल अपने बच्चे जैसे ध्यान रखूंगी। ठीक है, और आप कल से ही आ सकते हो।
See you tomorrow. चलें।